आज के इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऐसा माना गया है कि आज के दिन ह्यूमन राइट्स का दिन है, मानवाधिकारों का दिन है और वैश्विक मानवाधिकारों का दिन है। और उसमें हम लोग कुछ एक चर्चा करने के लिए, समझने के लिए हम यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। और समझने वाली बात ये है कि समझने वाली बात ये है कि क्या जो मानवाधिकार यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सारे विश्व को दिए गए हैं, क्या उनके कोई इस तरह के भी विकल्प विकल्प के विषय में हम विचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अपनी अपनी संस्कृति के बल पर, अपने अपने बोल सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पे। तो ये अपने आप में एक बहुत अलग सा एक प्रश्न है, क्योंकि हमारा काम तो चल जाता है इस बात से कि सब कुछ ठीक चल रहा है और हमें एक प्रारूप दे दिया गया है, तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप इसके अतिरिक्त भी कुछ विचार करें, सोचें। ऐसी स्थिति में जब आप थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक इन सारे विषयों को देखने लगते हैं, तो आपके सामने कुछ एक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मेरे दूसरे लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मुझे यहाँ से शेयर करना पड़ेगा आप लोगों के साथ, तो इसी से तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत रहे। तो अब जब आप थोड़ा सा उसको क्लोजली देखने लगते हैं, तो आपको ये दिखाई देने लगता है कि वो जो मानवाधिकार दिए गए हैं उनका संदर्भ और आपके अपने जो सांस्कृतिक संदर्भ हैं, दोनों में बहुत अंतर है। यूएनओ का मॉडल कहाँ से उठ के आया है, उसके मूल आधार क्या रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने उसका एक फॉर्मेट और जो 30 आर्टिकल्स हैं वो किस तरह से बनाए हैं, उनको जब आप उनकी भाषा और उनके आधारों को देखते हैं, तो आपको लगता है कि आपके सांस्कृतिक मूल्य और सांस्कृतिक प्रारूप, जिसे हमने कभी सांस्कृतिक प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया ही नहीं फॉर्मली, तो उसको हमें थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी के सभी मनुष्य चाहते तो यही है कि लोगों का कल्याण हो। 7.5 बिलियन जो लोग इस धरती पे रहते हैं, उन सब के मानवाधिकार उपलब्ध हों, और वो किसी किसी कोई संस्था या कोई ऊपर से आरोपित ना हो, वो सहज भीतर से उभर करके आए। और इसी दृष्टि को देखते हुए मुझे ये लगा कि हम बहुत औपचारिकताओं में पड़ जाते हैं कि यूएनओ के मानवाधिकार, उनका कोई मुकाबला नहीं और बहुत बढ़िया कर दिया उन्होंने, साथ ही साथ हम उसमें अपने फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के जोड़ लेते हैं। लेकिन जब आप अपने सांस्कृतिक पक्षों को देखने लगते हैं, तो आपको लगता है नहीं, कहीं कुछ अलग विचार किया जा सकता है, और हमें क्यों नहीं विचार करना चाहिए अपनी भाषा में, अपने शब्दावली में, अपनी अवधारणाओं में, हम लोगों को विचार क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये जब मैं देखने लगता हूं, तो आप जो सामने आप स्लाइड इस वक्त देख रहे हैं, उस स्लाइड में आप ये देखिए कि सचमुच मानवाधिकार की संस्कृति की तो बात छोड़ ही दीजिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मानवाधिकार आपके हैं यूएनओ की ओर से, उसकी रक्षा के लिए आपको यूएनओ की कितनी बड़ी फौज खड़ी करनी पड़ती है, देशों की फौजें खड़ी करनी पड़ती हैं, और उसके बावजूद अभी तक अरब, अफ्रीका और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आपको यही सब कुछ देखने को मिलता है कि वहां पर आई एम द विक्टिम ऑफ रेसिज्म एंड आई एम विक्टिम ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूज, आई एम विक्टिम ऑफ रेसिज्म, ह्यूमन राइट्स अब्यूज एंड रिलीजन टू। अब इन दो के बीच में आप ये भारतीय मानवाधिकार, ये वाली जो यहाँ का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसका ये लोगो है, तो उसकी रक्षा आपको बंदूक के सहारे करनी पड़ती है। तो मेरा ये प्रश्न है, मूलभूत प्रश्न है, जिस पे मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग चर्चा करें बाद में, वो ये कि मानवाधिकार की संस्कृति कैसे विकसित होगी। आप कॉन्स्टिट्यूशनली हम देख ही रहे हैं, सबको अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन उसकी संस्कृति कैसे विकसित हो,
ये मेरा मूलभूत प्रश्न आप सभी से है और इसी पे हम आगे चर्चा करेंगे। अब जब मैं नीचे देखता हूं तो नीचे दो आप मंत्रों की पंक्तियां देखिए, उन पंक्तियों में आपको दिखाई देता है पुमान पुमानसम परिपातु विश्वता, कि मैं जिस कल्चर से बिलोंग करता हूं, जिसे बताया गया कि बहुत पिछड़ी हुई, दकियानुसी और इरेशनल, जो जो नहीं शब्द प्रयोग किए जाने चाहिए थे वो सारे शब्दावली जो है हमें सेकुलरिस्टों से, कम्युनिस्टों से और इस तरह के जो अपने आप को वैचारिक फतवा देने वाले लोग हैं उनसे सुनने को मिलते हैं। लेकिन जब मैं इस तरह के मंत्रों को देखता हूँ कि एवरी मैन मस्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स टू सर्वाइव, तो मुझे लगता है कि मुझे यूएनओ की जरूरत नहीं है, इतनी औपचारिकताओं की मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे वो स्वतंत्र छोड़ दे तो मैं ज्यादा बेहतर अपना अपनी व्यवस्था कर सकता हूँ, अपना देश और अपना राष्ट्र और समाज चला सकता हूँ। दूसरा जो आप देखें देख रहे हैं, यांश्च पश्यामि यांश्च न तेषु मा सुमतिं कृधि, जिन लोगों को मैं जानता हूं और जिन लोगों से मैं परिचित नहीं हूं वो भी मेरी सकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित हूं, उनके लिए भी मैं हितकारी सोचता हूं, उनको मैं कोई मनुष्य बनाने के लिए नहीं चलता, जैसे कि वेस्ट ने हमेशा ये किया है गोरे लोगों ने कि दूसरे देशों में जाकर के उनको सभ्य बनाने का उन्होंने अपने कंधों पर एक दायित्व ले रखा है, और जहां जहां वो गए हैं अपने साथ एक तरफ वो बॉम्ब्स ले गए हैं, आर्म्स ले गए हैं, दूसरी तरफ हॉस्पिटल ले गए हैं, और इस तरह से उन्होंने सारा इतिहास, अगर आप देखें तो सारा इतिहास आपको इसी तरह का दिखाई देता है कि उन्होंने सभ्य बनाने का प्रयास किया। तो जल्दी से मैं दो तीन बातें आप लोगों के साथ साझी कर लेता हूं कि आज के हमारे जो दो मुख्य वक्ता हैं उनसे मैंने निवेदन किया था कि बहुत संक्षेप में अपनी बात हमारे साथ 10-10-15-15 मिनट के अंदर हमारे साथ साझा करेंगे ताकि हम उसके बाद चर्चा कर सकें। तो डॉक्टर विशाल भारद्वाज आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से हैं, हम उनका स्वागत करते हैं आप सबकी ओर से भी, और साथ में डॉक्टर राजेंद्रा जो हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत गांधी नेशनल मेमोरियल कॉलेज अम्बाला कैंट में, उनको उनका भी वक्तव्य हमें सुनने को मिलेगा और अंत में जो वोट ऑफ थैंक्स रहेगा निश्चित रूप से बीच में उनकी टिप्पणियां और आप सबके भी विचार रहेंगे, चर्चा बीच में रहेगी, और मेजर जनरल अमिल कुमार शोरी जी जो डायरेक्टर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर पंचकूला से, उनका वोट ऑफ थैंक्स रहेगा लास्ट में। तो मैं चाहता हूं कि इस सारे मसले को हम बहुत सही तरीके से और बहुत सटीक रूप में इसको साझा करें, तो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी से कुछ एक विचार जल्दी जल्दी साझे कर लेता हूं। आप सभी जानते हैं, मुझे उसके बारे में नहीं बताने की जरूरत, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, आप सभी ने पढ़े होंगे यूएनओ के 30 आर्टिकल्स और उनके बारे में आप लोग ये देख सकते हैं, इनएलियनेबल, उनको अलग नहीं किया जा सकता, इंडिविजिबल हैं और उनको विभाजित नहीं कर सकते आप, और इंटरडिपेंडेंट है, मोटे तौर पे ये बात ध्यान देने वाली है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है, चाहे व्यवहार में जो कुछ अलग हो, तो बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स दैट पीपल आर एंटाइटल टू रिगार्डलेस नेशनैलिटी ETC ETC। अब ये ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स आप दोनों चीजें देख सकते हैं, ह्यूमन राइट्स में इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ करके ही आते हैं, और उधर जो है फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी और फ्रीडम आदि आदि, ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन बीच में जब आप अपने 130 करोड़ भारतीयों के बारे में देखते हैं, वो जिस व्यवस्था के अंतर्गत चल रहे हैं, तो देयर पॉलिटिकल आइडियल सेट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म्स ए लाइफ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सारी शब्दावली जो हमने वेस्ट से चुरा करके हमने लोगों को दे दी, जिन लोगों को अंग्रेजी की इन शब्दावलियों से कोई परिचित नहीं था, लेकिन साथ ही दूसरी बात आपको ये दिखाई देती है, देयर सोशल आइडियल एम्बॉडीड इन देयर रिलीजन डिनाइज देम। अब ये आरोप, ये आक्षेप लगाना कि यहाँ का जो रिलीजन है, अब रिलीजन आपका धर्म है या संप्रदाय है या क्या है, अब वो जो है वो
ये सिद्ध यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को वो डिनाई करता है, जो कि मैं अभी इसका प्रत्युत्तर जब अपना मॉडल, अपना भारतीय और संस्कृति का जो संस्कृत शास्त्रीय मॉडल है उसमें इसको चुनौती दूंगा। चलिए हम आ जाते हैं, हम मान लेते हैं कि जितने सोशल साइंटिस्ट हैं वो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं और उन्होंने बहुत काम किया है और उन्होंने बड़ा प्रचार प्रसार किया है कि यूएनओ के द्वारा जो कुछ उनको दे दिया गया है वो उनका अंतिम सत्य है और उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन एक भारतीय होने के नाते मुझे लगता है कि कुछ 5 प्रश्न उनसे किए जाने चाहिए, आपसे भी और मुझे अपने से भी ये प्रश्न करने हैं। क्या भारतीय शिक्षाविदों एवं बुद्धिजीवियों के पास अपने परिवेश और यथार्थ के अनुकूल मानवाधिकार संबंधी कोई शब्द या अवधारणा है? कभी हमने सोचा 70 सालों से जो सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, कभी हमने अपने कोई उदाहरण दिए या हमें हमेशा वहीं से उदाहरण मिलेंगे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये कर दिया और दूसरे प्रेसिडेंट ने ये कर दिया, इसी तरह की हमें सारी बातें सुनाई देंगी या हम कभी अपने भी कोई उदाहरण दे पाएंगे? अब इसके साथ दूसरा प्रश्न, क्या भारत के इतिहास में मानवाधिकार संबंधी कोई तथ्य, घटना, स्थिति ऐसी रही जिसे हम विश्व समुदाय के सामने निर्भीक रूप से प्रस्तुत करने में गर्व अनुभव कर सकें? किसी सोशल साइंटिस्ट को मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो मानवाधिकार के ऊपर कोई भारत का उदाहरण देता हो। जब भी वो देंगे या तो वहां से मंडेला को पकड़ के लाएंगे या कहीं और से दूसरों को पकड़ के लाएंगे, लेकिन भारत में ऐसा लगता है कि यहाँ तो कभी मनुष्य रहा ही नहीं, और जब तक यूएनओ के द्वारा वो साबित ना कर दिए जाएं तब तक तो यहाँ कोई संस्कृति विकसित हो ही नहीं सकती थी। कुछ लोग जुड़ रहे हैं, यही इसकी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तीसरा जो है, भारतीय शिक्षा प्रणाली किसी भी स्तर पे मानवाधिकार की संस्कृति को स्थापित करने में सहायक है? जो सिस्टम एजुकेशन का है, जो कॉम्पिटिशन पे बेस्ड है, वो क्या किसी भी प्रकार ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई बात करता है? और इस बात को आप आज के संदर्भ में भी ले आएं कि आने वाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या हम लोग कुछ इस तरह का विचार विमर्श कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हम वहां पर इन चीजों को एडमिट करेंगे या इस तरह की चीजों का शिक्षण प्रशिक्षण देने का प्रयास करेंगे? फिर चौथा, वर्तमान शिक्षा से किस तरह के मानवीय व्यक्तित्व की हम अपेक्षा करते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के लिए कि जो आप स्मार्ट और मार्केट ओरिएंटेड लोग बना रहे हैं उनसे आप किस तरह के ह्यूमन राइट्स की बात अपेक्षा करते हैं? फिर अंतिम जो बात है वो है भारतीयों की बुद्धिवादिता, इंडियन इंटेलेक्चुअलिज्म का विश्व स्तर पे मानवाधिकार के क्षेत्र में क्या मान्य योगदान है? ये हमें अवश्य विचार करना चाहिए कि हमारी एक्चुअली कंट्रीब्यूशन क्या है। हम जो भारतीय अपने दावा करते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है, वो इंटेलेक्चुअल से भी है, बाकी लोगों से भी। मैं जल्दी से 2-3 बातें आपसे और साझी करके उसके बाद प्रथम मुख्य वक्ता को आमंत्रित करूंगा। जब शास्त्र की बात होती है, संस्कृत शास्त्रों की बात होती है, तो आप 2 चीजों को सामने देखते हैं। एक कि इस वक्त शुभता या गुडनेस की कमी है, और दूसरी समस्या है उस शुभता को, उस गुडनेस के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी कोई नहीं है। सारे 7.5 बिलियन लोगों को आप उनके लिए गुडनेस कैसे लाएंगे, कैसे उनके अच्छाई उनको प्राप्त कराएंगे, और उसके लिए आपके पास कौन सी नीति है? जो नीति भी आप प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है और वो वायलेंस पैदा कर देती है। दूसरी ओर आप अगर देखें उसमें 2 समस्याएं और बड़ी गंभीर हैं जिनको हम कभी चेक नहीं करते। एक है भोग की समस्या और दूसरी है प्रभुता की। भोग की मतलब है कि आप अपने लिए बहुत सारे संसाधनों को उत्पन्न करते हैं, अपने लिए इकट्ठा करते हैं, उसको साझा नहीं करते, और उसके द्वारा दूसरा प्रभुता का मतलब क्या है कि मैंने जितनी साधन सुख सुविधाएं इकट्ठी की हैं उससे मैं दूसरों को एक ईर्ष्या का भाव देता हूं कि तुम भी इस तरह से करो तो तुम्हारे साथ
तुम जो है तभी जो है वो अग्रसर होगे, विकास में जाओगे और तरक्की कर पाओगे, ये सारी बातें हैं। अब जब इस तरह की बात हो जिस सोसाइटी में भोग और प्रभुता, जहां पर ये दो कॉन्सेप्ट प्रभावी हो रहे हैं, तो ऐसे में मानवाधिकार की संस्कृति कैसे विकसित होगी। मैं एक सेकंड दूसरी इससे जो है शेयर कर लूं आप लोगों के साथ, क्योंकि वो प्रॉब्लम दे रहा है मुझे। एक सेकंड मुझे कृपया दे दीजिए। जी क्या हुआ? प्लीज आप मैम वो बंद कर लेंगे जरा माइक, क्योंकि फिर वो, चलिए ठीक हो गया। ये दो प्रॉब्लम्स मैंने बता दी। उसके बाद आप अगली बात देखिए, पश्चिमी इतिहास जिसके बारे में बड़े हम जोर शोर से सारी बातें करते हैं कि देखो कितना बढ़िया रहा है, रेवोल्यूशंस हो गई, क्रांतियां हो गई, यहां भी हम क्रांतियां ला देंगे, तो आप देखिए कि पश्चिमी इतिहास में होने वाली जितनी भी क्रांतियां हैं वो क्या थी? केवल राज परिवारों से व्यापारी वर्ग में शक्ति हस्तांतरण मात्र थी। कभी उनके इतिहास को करीब से देखिए, आलोचनात्मक दृष्टि से देखिए, अपनी दृष्टि से देखिए, तो आप पाएंगे कि वहां वो क्रांतियां ना तो न्याय के लिए थी ना ही समानता के लिए। आप चाहे उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन रहा है, रेवोल्यूशन बाकी जो कुछ रहे हैं, आप कभी उनको उठा के देखिए और फिर अपने शास्त्रों से, अपनी संस्कृति से उसकी तुलना करके देखें, तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देने लगेंगी। तो मानवाधिकार की बात चाहे जितने ही तर्क से प्रचार कर लें, लेकिन उसकी मूल धारा में विकृति रहेगी, जो मैं अभी आपको ये सामने सांची करूंगा, आप लोगों के साथ उसको साझा करूंगा। मैं उस सब बातों को छोड़ रहा हूं, अब मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं जो बात मैं पहले कह के आया था, कि किस तरह से इन मानवाधिकारों की परिकल्पना उभर कर आई। दो बातें प्रभावित करती रही हैं सारे वेस्ट को, जो लोग इंटेलेक्चुअली उनको देखते हैं। एक तो वहां जो चर्च की डोमिनेशन रही है, सप्रेशन रहा है, उसके खिलाफ वहां पर क्रांति होनी शुरू हुई, वो चाहे क्रांति जो है वो साइंस के माध्यम से हुई है या जो भी, और उसके बाद दूसरी क्रांतियां जो हैं ये विश्व युद्धों के माध्यम से आई हैं। तो इन दो आधारों के ऊपर जो है वो सारे के सारे मानवाधिकार आप देख सकते हैं। उनमें से एक पक्ष, सिर्फ एक पक्ष जो है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। हालांकि उन मानवाधिकारों के मूल आधारों में कितने सारे पक्ष हैं वो मैं सब कर सकता था, लेकिन क्योंकि समय उतना नहीं है तो मैं आप लोगों के साथ केवल मात्र उतना ही शेयर करूंगा। ये होलोकास्ट शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है वेस्ट में, क्योंकि आखिरी दिन आएगा और सब जो है वो सबके साथ जो है वो खुदा के सामने खड़े होंगे आदि आदि, लेकिन होलोकास्ट शब्द इंग्लैंड जो सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी का एक सिंबल है, वहां पर भी होलोकास्ट शब्द प्रयोग नहीं किया जाता मुस्लिम्स के डर से। ये आप देख रहे हैं जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई है, उसके ये चित्र मैं आप लोगों के साथ दिखाता हूं, और देखिए जितने भी आपके 30 आर्टिकल्स हैं वो इन चीजों के आधार पर विद्यमान आपके सामने हैं, आप लोगों के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। मैं ज्यादा नहीं, हालांकि मैं सारे वो चीजें आपके साथ, टाइम ज्यादा लग जाएगा इसलिए मैं ज्यादा नहीं ले रहा, और आप ये देखिए कि ये सारी स्थितियां रही हैं, इस तरह से अपने आप को सभी लोगों ने व्यवहार किया है, वेस्ट के व्यवहार रहे हैं, और वो हमें बताते हैं, और हमारे ही जो काले अंग्रेज हैं वो हमें बताते हैं कि तुम तो सबसे ज्यादा दुष्ट लोग थे और सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने वाले मनुष्यों को तुम ही लोग थे। ये जो मैं बात आपसे कर रहा था कि होलोकास्ट फ्रॉम ब्रिटिश स्कूल करिकुलम बिकॉज इट ऑफेंडेड मुस्लिम्स, होलोकास्ट शब्द तक वो प्रयोग नहीं कर सकते और बातें करते हैं फ्रीडम की। 70 साल हो गए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हुए, और अभी तक उसकी विकृतियां, उसके प्रभावों से वेस्ट मुक्त नहीं हो पाया। और कभी आप अनुमान करके देखें, केवल 6 मिलियन ज्यूज, 20 मिलियन रशियंस, 10 मिलियन क्रिश्चियंस,
मर्डर्ड, स्लॉटर्ड, रेप, बर्न, ह्यूमिलिएटेड। और हम बात करते हैं कि भाई हम दूसरों को सिखाएंगे, दूसरों को सभ्य बनाएंगे। ये नीचे आप देख सकते हैं, द पर्पस ऑफ दिस पीपीटी इज टू अंडरस्टैंड व्हाई ह्यूमन राइट्स, इज इट बिकॉज ऑफ एग्रीडियन कल्चर, और आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल कल्चर किसकी वजह से है। क्या भारत ने इस तरह के व्यवहार किए हैं या उन लोगों के वजह से ये व्यवहार रहे हैं? तो फाउंडेशन ऑफ जो ह्यूमन राइट्स हैं, जिसकी वजह से यूएनओ बना, यूएनओ में ये सारी बातें की गई हैं और आज हमें वो सिखाया जाता है, तो आप देखिए कि उनके आधार क्या हैं। कहीं पर भी आपको मानसिक स्वस्थता लगती है? और फिर एक सवाल और मैं करता हूं, इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव बिजनेस एंड ट्रेड, हु कैन गारंटी ह्यूमन राइट्स? आप देख लें, अफ्रीका में देख लें, आप अरब कंट्रीज में देख लें। मैं जैसा कि पहले भी कहा था कि एक और वो हॉस्पिटल्स लेके जा रहे हैं कि हम तो बड़ी सेवा करते हैं, अगर वो सेवा कर रहे हैं तो उनको वेपन्स कौन दे रहे हैं, वहां युद्ध कौन करवा रहे हैं, कभी इस बारे में भी तो विचार करना है। तो चलिए आगे हम आते हैं। ये तो मैंने आपको उनको चुनौती देने के लिए, उनका मूल आधार समझने के लिए बात की थी। अब मैं आता हूं कि हम क्या कर सकते हैं और हमने जो अभी तक नहीं किया पिछले कई सालों में, हमें वो करना चाहिए। और अब मौका है कि हम अपने आप को नई एजुकेशन पॉलिसी के योग्य बनाएं और उसमें अपने को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करना आरंभ करें। निश्चित रूप से संस्कृत शास्त्रों के आधार पर आपको कोई ना कोई पॉलिसी बनानी होगी, कोई स्ट्रेटेजी बनानी होगी ह्यूमन राइट्स की। और वो पॉलिसी ऐसी ना हो कि केवल एक नैतिकता के रूप में बन के रह जाए, उसमें वो पोटेंट भी हो, इफेक्टिव भी हो। और उसके लिए आपके पास शब्दावलियां क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ, स्वस्ति, कल्याण, यही सारी शब्दावलियां हैं। तो उसमें ना जाते हुए अब मैं आपके साथ मॉडल जो है इन्हीं शब्दों के आधार पर, आप इसमें से संस्कृत की कोटेशंस छोड़ दीजिएगा। संस्कृत की कोटेशन छोड़ देंगे तो आपको बाकी सारा सरल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें दिखाई देगी। सबसे पहले जो मॉडल की मूलभूत आधार मानवाधिकार का है कि सभी मनुष्य उस अंतिम चेतना की, ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, एक ही सोर्स है सभी का। ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट का आधार है हमारा, कि काले गोरे का या किसी और वजह से कोई भेद नहीं है, सभी एक जगह से ही उत्पन्न होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, सभी का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करता है। आप कोई शास्त्र उठा के देखें, सबसे पहले उसको चेतना और चेतना के बाद उसकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना, ये दो फंडामेंटल्स हैं जो आपके मानवाधिकार की संस्कृति विकसित करते हैं। उसके बाद तीसरी बात कि प्रत्येक मनुष्य में तीन चीजें होती हैं, तीन ऐषणाएं होती हैं। संस्कृत का शब्द है ऐषणा, इच्छाएं कह लीजिए आप आसानी से समझने के लिए जो संस्कृत के नहीं है, कि उसमें पुत्रेषणा प्रोजनी के लिए, वित्तेषणा कि वेल्थ मेरे पास हो, और यश लोकेषणा कि भाई लोग मुझे रिकग्नाइज करें। ये तीन फंडामेंटल राइट्स हर व्यक्ति के हैं। उसके बाद आप ये देखें, अब जब उसको ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं तो उसके बाद वो क्या चाहता है? अपने जीवन की सफलता। उसके लिए वो सारे राष्ट्र, समाज निश्चित रूप से उसके इस अधिकार को स्वीकार करते हैं। ये आपके संस्कृत शास्त्रों का मूल आधार है कि प्रत्येक मनुष्य को उसकी प्रोजनी के लिए, उसके वेल्थ के लिए, उसके बीच में से गायब हो गया है, आप लोग देख पा रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि जी नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ओके, इसको मुझे लगता है दोबारा से करना पड़ेगा, हैंग हो गया सिस्टम। एनीवे, मैं अपनी प्रेजेंटेशन यही दिक्कत आ रही है थोड़ी। तो तीन ये फंडामेंटल राइट्स आप जो हैं प्रत्येक शास्त्र जो है वो उसको स्वीकार करता है। अब क्लियर है मेरा ख्याल? तो उस और उसके लिए आपका राजा हो, आपका समाज हो और राष्ट्र है, निर्बाध रूप से उसको स्वीकृत करते हैं।
और फिर जितने भी राष्ट्र हैं वो इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि जिस प्रकार धरती सभी प्राणियों को बिना भेदभाव के ऊंच नीच के धारण करती है, कौन कह रहा है, मनुस्मृति, उस मनुस्मृति के अनुसार ये बात हमें दिखाई देती है कि राष्ट्र व्यवहार कैसे करेगा, सरकार चलेगी कैसे, सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार होगा। और साथ ही साथ फिर अगली बातें क्या है कि राष्ट्र जो है वो सभी के लिए सुख चाहेंगे, स्वास्थ्य चाहेंगे, स्वास्थ्य के लिए कार्य करेंगे, और हम सभी के सभी लोग मंत्र, हमारा मंत्र समिति और मन और चित, ये सभी सबके समान होंगे। और फिर उसके बाद अगली बात, अगला जो पोर्शन उसका रहता है वो है कि हर मनुष्य को बुभुक्षा, भय, जिज्ञासा और सौंदर्य, इनके लिए उसे स्वतंत्रता प्राप्त है, ताकि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है उसका उसको उसका अधिकार मिले, पुरुषार्थ का उसका अधिकार है। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी व्याख्याओं में मैं नहीं जा रहा क्योंकि वो फिर बात थोड़ी बिखर जाएगी, लेकिन ये जो चार पुरुषार्थ हैं इसके लिए सभी राष्ट्र निरपवाद रूप से अभय प्रदान करें, ताकि भविष्य में मनुष्यता उस स्तर को प्राप्त कर सके जिसकी कल्पना हमारे धर्मशास्त्रकारों ने इस रूप में की है। क्या की है, नीचे देख सकते हैं आप, जहां न राज्य हो, न राजा हो, न दंड व्यवस्था हो और न ही दंड देने वाला हो, तो तब जाकर के हम कह सकेंगे कि सचमुच अब मानवाधिकार की संस्कृति विकसित हुई है। अन्यथा आप जितना मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, जितने मर्जी ह्यूमन राइट्स के वो आर्टिकल्स बना लें, यूएनओ बना लें, आदमी के मन को जब तक नहीं बदलेंगे तो आप ह्यूमन राइट्स की कल्चर संस्कृति विकसित नहीं कर सकते, और वो विकसित होगी तो आपके अपने शास्त्रों से, आपकी अपनी संस्कृति से होगी। ये थोड़ा सा उलझा हुआ सा इसलिए लगेगा आपको ये जो प्रारूप मैंने तैयार किया है, क्योंकि इसके बीच में मैंने संस्कृत डाल रखी है समर्थन देने के लिए, लेकिन फंडामेंटली इतनी ही बात है कि मैं आपको दिखा देता हूं कि फंडामेंटली क्या है। ये प्रशिक्षण विधि भी मैंने इसमें बनाई है, और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा विशाल भारद्वाज जी को, कि एक और आपके फंडामेंटल राइट्स और 30 आर्टिकल्स हैं, और आपका मूल आधार क्या है कि प्रत्येक मनुष्य चेतना की अभिव्यक्ति है और उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थों का अधिकार है, पुत्र वित्त लोक इन तीन ईष्णाओं का अधिकार है, लेकिन इसके लिए प्रत्येक मनुष्य को संवेदनशील बनाना होगा। प्रशिक्षण देने के लिए पहले उसमें संवेदना जागृत करनी होगी, फिर उस संवेदना का संस्कार करना होगा, और फिर उसके बाद वो अधिकार की बात करेगा। और हमें ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अधिकार की बात करते हैं तो वो एग्जैक्टली राइट का अनुवाद नहीं है। ऑथराइजेशन के अर्थ में हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं कि ही हैज बीन ऑथराइज्ड टू डू दिस वर्क, वो अधिकृत है, वो अधिकारी है। तो इसलिए संवेदना, संस्कार और अधिकार, ये हमें प्रशिक्षण देना होगा, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा, और ये आपका थ्योरी एस्पेक्ट है कि आप चार पुरुषार्थों और तीन ईष्णाओं का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को अनकंडीशनली राष्ट्र, समाज और देश देगा। आपकी राज्य सरकार, आपका समाज प्रत्येक मनुष्य को ये चारों अधिकार, तीन ईष्णाओं का अधिकार संवेदना संस्कार के बाद प्रदान करेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से अगर हम कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास करें तो नई एजुकेशन पॉलिसी में हम संस्कृत को पढ़ने पढ़ाने के तरीकों को भी बदल पाएंगे, संस्कृत को उपयोगी भी बना पाएंगे, उसकी संगतता को भी सिद्ध कर पाएंगे। तो ये मेरी ओर से एक प्रस्तुति थी, हालांकि थोड़ा सा मैंने वक्त ले लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस रही है क्योंकि दूसरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था ठीक से। तो कुल मिलाकर के ये मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विशाल भारद्वाज जी, जो प्रोफेसर हैं वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में, कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्रा, फिर उसके बाद ओपन हाउस डिस्कशन हम करेंगे। डॉक्टर साहब धन्यवाद, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपने गुरुवर डॉक्टर लेखराम जी भी जो इस समय शामिल है, उनको प्रणाम पूर्वक मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। डॉक्टर साहब थोड़ी सी आवाज आपकी कम आ रही है, शायद आप माइक से दूर हैं।
हाँ जी डॉक्टर लेखराम जी, सर नमस्कार, आपको प्रणाम करता हूँ, स्वागत है आपका। और जी जहाँ तक मानवाधिकारों की बात हमारे संस्कृत साहित्य में चलती है, तो इसका बड़ा ही व्यापक क्षेत्र रूप व्यापक क्षेत्र में इसकी चर्चा संस्कृत शास्त्रों में है। तो संस्कृत शास्त्रों में तो मानव के जीवन से पहले ही वो हमारा संस्कृत शास्त्र उसके अधिकारों के प्रति जागरूक है, सतर्क है। हम देखें कि संस्कृत साहित्य में साधारण स्त्री और एक गर्भवती स्त्री, इन दोनों के मध्य के अंतर को स्पष्ट करते हुए निर्देश किया गया कि गर्भवती जो स्त्री है एक इच्छा को तत्काल पूरा किया जाए, क्योंकि वो केवल उसकी अपनी इच्छा नहीं है, वो इच्छा उसके गर्भस्थ शिशु के साथ जुड़ी हुई है। तो उस बच्चे के कारण उसके लिए कंडीशन है कि भी उसकी जो कोई भी इच्छा है उसको अवश्य और तत्काल रूप में पूर्ण किया जाए। उदाहरण स्वरूप हम उत्तर रामचरितम नाटक देखते हैं, उसमें सीता गर्भवती है और उसकी जो राम की जो माताएं हैं वो जामात्री ऋषिश्रीम के आश्रम में चली गई और वहां से वो राम के लिए मैसेज भेजती है, संदेश भेजती है कि सीता की गर्भ के समय जो कोई भी इच्छा हो उसकी पूर्ति आपने अविलंब करनी है और साथ ही अवश्य और अविलंब करनी है। तो यह कश्चित गर्भ दोहदो भवति अस्या सो अवश्यम और अचिरात मानितव्या। और उसके उत्तर में राम कहते हैं, कहता क्रियते यद एषा कर्तव्यम्, जो ये कहती है उसका तुरंत ही उस बात का पालन किया जाता है, उसकी इच्छा को पूर्ण किया जाता है। ये नहीं कि भी आज उसने चीज मांगी है तो कहेंगे ठीक है जी शाम को ले आएंगे कल ले आएंगे, तो तत्काल और अवश्य उसकी इच्छा को पूर्ण किया जाए। तो गर्भस्थ शिशु जो अभी इस संसार में आया नहीं है उसके जन्म से पूर्व ही उसके अधिकारों के प्रति हमारा संस्कृत शास्त्र जागरूक है। आज की मॉडर्न सोसाइटी में जो डाइवोर्स की जो प्रवृत्ति है, तलाक की प्रवृत्ति है, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी उसमें उसका क्या दोष है, उसके अधिकारों की चर्चा भी संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से चली की जा रही है, चली आ रही है और इस आधुनिक संस्कृत साहित्य में भी बहुत से हमारे विद्वान हैं जिन्होंने इस समस्या को हमारे सामने उजागर किया है। तो पंजाब में जो संस्कृत शिरोमणि संस्कृत साहित्यकार डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा गौतम है, इन्होंने अपना एक उपन्यास लिखा है सुनैना, उसमें एक संदर्भ प्रस्तुत किया कि भी एक दंपति है, उनका परस्पर कचहरी में तलाक के लिए मुकदमा चल रहा है और अदालत के अनुसार उसका पति को प्रति सप्ताह में एक बार अपने पुत्र से मिलने की अनुमति दी गई, लेकिन वो पत्नी उससे उसको बच्चे को नहीं मिलने देती। वो याचिका दायर करता है पुनः न्यायालय में, तो जो न्यायाधीश है वो उस माँ को समझाता है, कहता है कि बच्चे को गोद में उठाना और वात्सल्यपूर्ण उससे बातें करना, उसको उसके साथ खेलना पिता का प्राकृतिक अधिकार है, आप उसको उससे वंचित नहीं कर सकती। आत्मजेन सह संलापहा तम अंके धृत्वा, उसको गोद में लेकर के वात्सल्य प्रदर्शनम च, उसका प्रेम पूर्वक उसके साथ करना, प्रेम करना, वर्तते पितु सांसिद्धि को अधिकार रहा। तो वो बच्चे के लिए ऐसा नहीं है कि भाई उसके अकेली उसको माँ की जरूरत है या अकेले उसको पिता की जरूरत है, उसको दोनों की जरूरत है, तो आप उस बच्चे को उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। ये तो आधुनिक संस्कृत साहित्य की बात हुई। प्राचीन काल में आप भभूति को देखिए, उसमें सीता का वो परित्याग कर दिया राम ने और वन में जाकर उसको लव और कुश दोनों बच्चे जन्म हुआ। तो एक समय में बड़ी उदास अवस्था में सीता अपने मन में कल्पना करती है कि मेरे इन पुत्रों को जन्म देने से क्या लाभ, कि इनके पिता, इनका जो सुंदर उज्जवल मुख है, छोटे छोटे दांतों वाला इनका जो मनोहर हास्य से युक्त मुख है उसको वो चूम ही नहीं पाए। कहती किम वा मया प्रसूतया, क्या फायदा मेरे इनको जन्म देने का, येन एतादृशम मम पुत्रकयो ईषद विरल धवल दशन उज्ज्वलम अनुबद्ध मुग्ध काकली विहसितम नित्य उज्ज्वलम मुख पुंडरीक युगलम ना परिचुंबितम आर्य पुत्रेण। कहता उस आर्य पुत्र को इनके साथ स्नेह करने का अवसर नहीं मिला, तो कहता मेरे जन्म पुत्रों को जन्म देने का क्या लाभ है।
पिता को, पिता और माता दोनों की आवश्यकता है, इस बच्चे के अधिकार को भवभूति ने इसी तरह प्रस्तुत किया है। महाकवि कालिदास ने भी यही प्रसंग को ऐसे लिया है। वो जब दुष्यंत देखता है अपने बच्चे भरत को, अभी उसको पहचाने कि मेरा पुत्र है, तो उसको देखकर उसके हृदय में जो वात्सल्य उत्पन्न होता है, उसकी कल्पना करता है कि ऐसे दंपति बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिनको इस बच्चे को गोद में खिला करके, उनकी जो गोद है उसकी बच्चे के शरीर के अंगों की धूलि से धूसरित होती है। तो वहां पर उसने ये नहीं कहा कि पिता का सौभाग्य है या माता का सौभाग्य होता है, दंपति का सौभाग्य है, दोनों का सौभाग्य है, तो बच्चे को दोनों की आवश्यकता है। अब देखिए बच्चे के लिए मातृ दूध की कितनी आवश्यकता है। अब कहा जाता है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, उस ईश्वर के बारे में कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं होते, तो उसके लिए ईश्वर ने उस दूध की सृष्टि की है माता के माध्यम से, तो उस पर उसका पूर्ण अधिकार है, तो उस अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जाए। इस संदर्भ में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, तो सीता को जब ये लव कुश का जन्म हुआ तो वो अपने मन में कल्पना करती है कि भी अब इनका शास्त्रोक्त विधि से संस्कार कौन करेगा, इनके जात कर्म आदि संस्कार कौन करेगा, इनका विद्या ग्रहण कब होगा। तो उसको सांत्वना देती हुई गंगा देवी इसको कहती है, कहती कि तुमको इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भद्रे किम त्वया अनया चिंतया, ये तो हुई वत्सौ स्तन्य त्यागात परेण भगवतो वाल्मीकेहे अर्पिष्यामि। कहता जब ये स्तन त्याग कर देंगे, जब ये दूध पीना माता का छोड़ देंगे, तब मैं इसको पढ़ने के लिए हम वहां पर वाल्मीकि के आश्रम में मैं इसको छोड़ आऊंगी। तो उसका कहने का मतलब है कि जब तक इसकी विद्या अध्ययन तब प्रारंभ करना है जब तक कि बच्चा माता का दूध पीता है, तो उसके ऊपर उसका बिल्कुल अधिकार है। और ऐसा ही भी किया गया, जब वो माता का दूध छोड़ने के पश्चात ही गंगा देवी दोनों बालकों को विद्या अध्ययन के लिए महर्षि वाल्मीकि को समर्पित करती है। वहां पर दिया है स्तन्य त्याग परेण द्वारक द्वयम् च तस्य प्राचेतस्य महर्षे गंगा देव्या समर्पितम् स्वयं। तो उसके मातृ दूध के ऊपर उसका बच्चे का जो अधिकार है उसको हमें बिल्कुल छीनना नहीं चाहिए, उसको जो ईश्वर की ओर से ये प्रदान है। अब राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं हम, तो बहुत प्राचीन काल से हमारे संस्कृत साहित्य में राइट टू एजुकेशन की बात कही गई है, तो ये बच्चे का मौलिक अधिकार है। उस अधिकार से पहले हम बात करते हैं कि चाइल्ड लेबर भी, तो बच्चे को हम कहते हैं चाइल्ड लेबर ये अपराध है बच्चे को नहीं, वो चाइल्ड लेबर की तो कल्पना ही तब आई, उसका अस्तित्व तब आया जब हमने बच्चे को पढ़ने से मना किया। तो हमारा जो संस्कृत कॉन्सेप्ट है, हमारे शास्त्र हैं, वो तो आश्रम व्यवस्था की कल्पना की है उन्होंने, ऐसी व्यवस्था की कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसका तो संबंध ही केवल विद्याध्ययन के लिए है, तो उसका लाइफ का जो प्रथम भाग है वो आश्रम केवल पढ़ने के लिए ही डेवोट किया गया है, जिसमें वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करता है, ब्रह्म का विद्या को ग्रहण करता है। और हमारे जो नीति शास्त्र हैं, नारायण पंडित ने शीतोपदेश में भी कहा है, माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता। वो माता उसकी शत्रु है, पिता उसका बैरी है, जिसने बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया, स्कूल में नहीं भेजा। तो ये नहीं कि भी केवल बालक की बात है, तो स्त्री को भी पढ़ने का उतना ही अधिकार संस्कृत शास्त्र में मिलता है। तो भवभूति में हमने उत्तरामचरित में ही देखा कि आत्रेयी नामक एक तपस्विनी, वो जाती है जंगल में, और जंगल में उसकी जो मुलाकात है उसका मिलन होता है वन देवती, वन देवता से। वो वन देवता से प्रश्न करती करती वन देवता पूछती उससे कि भी देवी आप कहाँ जा रही हैं, तो बताती है कि मैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से यहाँ पर अगस्त्य मुनि के आश्रम में वेदांत विद्या को ग्रहण करने के लिए आई हूँ। वो कहती इतनी दूर तो वहां उसको छोड़कर क्यों आई है। तो वो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि भाई वहां कहते हैं लव और कुश दोनों बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ पढ़ना हमारा संभव नहीं है, तो अब मैं वेदांत विद्या को सीखने के लिए वहां से यहाँ आ रही हूँ। तो ये माइग्रेशन वाली जो बात है उस काल में भी पॉसिबल थी, और वहां पर भी दूर दूर तक पढ़ने के लिए जाने की जो अधिकार है वो सबको मिला हुआ था। ये अधिकार के साथ साथ ये शासक का कर्तव्य भी द्योतित घोषित किया है संस्कृत साहित्य में। महर्षि शुक्राचार्य ने शुक्रनीति अपने ग्रंथ में लिखा है, कहता कि अधिकार के संरक्षण के लिए जो विद्याध्ययन का अधिकार है, इसके लिए शासक का परम कर्तव्य बनता है कि वो कला और विद्या की उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहे और छात्रवृत्ति देकर लोगों को हर विद्या और कला की शिक्षा दिलवाए। इतना ही नहीं,
अध्ययन की समाप्ति हो जाने पर उसकी योग्यता के अनुरूप उसको कार्यों में नियुक्त भी करे और विद्या और कला के क्षेत्र में जो अत्यधिक निपुण है उनको प्रतिवर्ष पुरस्कार आदि प्रदान करके सम्मानित भी किया जाए। तो ये उसका अधिकार है बच्चे का। विद्या कला नाम वृद्धि स्यात् तथा कुर्यात् निर्वाह सदा, सर्व विद्या कला अभ्यासे शिक्षेद भृति पोषितान समाप्त विद्यम संदृष्ट्वा तत्कार्ये तम नियोजयेत विद्या कला उत्तमान दृष्ट्वा वत्सरे पूजयेत चेतान। तो ये शुक्रनीति में ये बात कही गई है। अब राइट टू लिव की बात करते हैं हम, तो जीने का अधिकार है। तो उत्तर रामचरितम में ही एक हमें दृष्टांत मिलते हैं कि वो राजा जनक उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं राम को कि भाई इसने मेरी पुत्री को घर से निकाल दिया, लेकिन जब वो उठा भी लेते अपना धनुष फिर उनके मन में आती है कि भाई मेरे इस कार्य को करने से जो निरअपराधी ब्राह्मण है, बालक है, वृद्ध है, अंगहीन है, जो ये सारे प्रजाजन है, इनका तो कोई अपराध ही नहीं, तो इनको मारने से मेरे क्रोध से ये सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो ये सोच करके वो अपने इस कार्य से निवृत्त हो जाते हैं, राम को नहीं मारते। तो उसमें भी हितोपदेश में भी हमें मिलता है कि प्राणा यथा आत्मनो अभिष्ट, जिस प्रकार मुझे अपनी जान प्यारी है भूता नाम अपनी तेज था, तो दूसरे प्राणी को भी तो अपनी जिंदगी से उतना ही प्यार है। तो आत्मोपमेन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवा, कहता हमारी तो दया करने की प्रवृत्ति है, किसी की हिंसा करने की प्रवृत्ति नहीं, सबको जीने का अधिकार है। लिव एंड लेट लिव की धारणा हमारे संस्कृत शास्त्रों में हमें देखने को मिलती है। उसके साथ ही जो मनुष्य को जो कर्मचारी वर्ग है उसके अधिकारों की चर्चा भी संस्कृत साहित्य में की गई, भी उसको बिल्कुल समय पर उसके वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए, क्योंकि संस्कृत साहित्य का मानना है कि ये उसका मौलिक अधिकार है। नीति शास्त्र का भी कहना है कि यदि कर्मचारी को स्वामी समय पर वेतन का भुगतान नहीं करता तो उससे उसका परस्पर संबंध भी विच्छेद हो जाता है, और स्वामी और कर्मचारी के संबंध विच्छेद के कारणों में वेतन का समय पर भुगतान ना किया जाना एक प्रमुख कारण स्वीकार किया गया है। अप्रसादो अनधिष्ठानम देयम अंशम हरणम च यत काल यातो काल यापो प्रतिकार तद वैराग्य से कारण। जैसे सिर के बाल है ना, तो उनको धारण करते हुए तेल से उसका पोषण किया जाता है, जब तेल के बिना बाल भी रूखे हो जाते हैं तो स्वामी के स्नेह के बिना तो स्वामी के सेवक का रुष्ट हो जाना स्वाभाविक ही है। तो उसमें वेतन की भी सारी कैटेगरीज दी है कि कैसा वेतन दिया जाना चाहिए, तो ताकि उसके परिवार का सही रूप से ठीक रूप से पालन पोषण हो सके, किसी तरह की उसको समस्या का सामना ना करना पड़े। स्त्री सुरक्षा के अधिकार की चर्चा करते हैं अब। तो स्त्री सुरक्षा के लिए महाकवि कालिदास ने कहा कि जब वो भ्रमर से भयभीत होती है शकुंतला, तो एकदम से धनुष लेकर के वो उपस्थित हो जाता है दुष्यंत, और कहता कि कुरुवंशी राजाओं के रहते हुए ऐसा कौन व्यक्ति है जो तपस्विनी मुक्तिया कन्याओं को इस प्रकार से परेशान कर रहा है, हमारे राज्य में हमारे साम्राज्य में स्त्री के अधिकार की रक्षा करते हुए किसी पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा वहां पर हमें संकेत मिलता है। तो समानता के अधिकार की बात करते हैं, तो समानता की तो जगह जगह अभी पीछे डॉक्टर साहब आप खुद भी बताया है इन्होंने। तो हमारे जो यजुर्वेद में तो उसमें लिखा है कि मानसिक और सामाजिक शांति हेतु तो जातियों और समुदायों में समानता की बात करते हुए कहा गया कि हमारे सभी वर्ण और मुझ में तेजस्विता की स्थापना हो। वहां केवल किसी एक वर्ण विशेष जाति विशेष के लिए नहीं ऐसा कहा गया, तो सभी के लिए। रुचम नो देही ब्राह्मणेशु रुचम राजसु नस्कृधि रुचम विशेषु शुद्रेशु मची देही रुचा दो। तो सभी के लिए ऐसी बात की गई है। तो विक्रम और विषम नाटक के भरत वाक्य में भी महाकवि कालिदास कहते हैं कि सर्वस्तरतु दुर्गाणी सर्वो भद्राणी पश्यतु सर्वः कामान अवापनोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु। तो सभी के बात की गई है। तो जो संस्कृत साहित्य की मंगल कामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सभी के सुख कामना की बात की गई है, समानता की चर्चा की गई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद डॉक्टर विशाल जी, बहुत संक्षेप में और बहुत सटीक रूप में आपने बहुत सारे पक्षों को, बहुत सारे आयामों को प्रस्तुत कर दिया है। और निश्चित रूप से इस सारे वेबिनार का आइडिया भी ये है कि हम इन पक्षों को, विभिन्न आयामों को जो हमारे संस्कृति में, शास्त्रों में उपलब्ध हैं, उनके बारे में एक जानकारी, एक सूचना तो कम से कम दें, और कभी भविष्य में हो सके तो फिर उन सूचनाओं के माध्यम से और अधिक कार्य करके, अकादमिक कार्य करके, हम उसको एक पूरे फॉर्मेट के रूप में, एक पूरे प्रारूप के रूप में, हम पॉलिटिकल साइंस वाले लोगों के साथ मिलकर के, बैठ करके, उनके साथ बात करके उसको प्रस्तुत करें। और मुझे लगता है कि उसकी संभावनाएं अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी हैं जहां पर हम पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या डायरेक्टली जो ह्यूमन राइट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उन लोगों के साथ हम बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास चीज़ें बड़ी निश्चित होनी चाहिए। आपने स्त्रियों के अधिकारों की, बच्चों के अधिकारों की और अन्य समाज में समानता की बातें कही हैं, प्रस्तुत की हैं। मुझे लगता है कि अगर हम में से कोई भी व्यक्ति इस तरह का एक प्रोजेक्ट ले ले और उनको व्यवस्थित कर दे, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि संस्कृत के क्षेत्र में हो सकती है और बहुत बड़ा एक सकारात्मक योगदान उस व्यक्ति का हो सकता है। लेकिन और अधिक बात न करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ द्वितीय आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेंद्रा की जी को, जो कि हेड है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत GMN कॉलेज अम्बाला कैंट में, और उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना जो है वक्तव्य हमारे साथ साझा करें और उसके बाद फिर हम चर्चा के लिए सत्र को खुला करेंगे। मैडम राजेंद्रा। मैडम राजेंद्र, आप मेरी बात सुन पा रही हैं? सर मेरी आवाज आ गई है आपको? हाँ जी लाउड एंड क्लियर। मैं ये कह रही थी सर, पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 10 दिसंबर वुमेन राइट्स डे ही चुन लिया इस सेमिनार के लिए। आप हमेशा ऐसे ही कुछ करते हैं। और सर सबसे बड़ी बात ये कि जो कुछ भी मैं सोच रही थी कि मुझे कहना है, ये तो विशाल जी ने कह दिया या आपने कह दिया। अब समस्या ये है कि चलो मैं थोड़ा बहुत अपना विचार थोड़े दूसरे तरीके से रखने की प्रयास करती हूँ। जी जी सर, एक तो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो UNO का जो चार्टर है जिसमें हम चर्चा करते हैं ये मानवाधिकार की, तो उसका सबसे पहले उल्लेख जैसे अभी विशाल जी ने भी कहा ऋग्वेद में आया है, आपने खुद ही उसको कोट भी किया, समांगी वह आकुति समांगा हृदयांगी वह समांगम अस्तु वो मग है यथा वह सुशास्ति। तो एकत्म समत्व की जो उस समय स्थिति थी उसी से मुझे ऐसे लगता है कि ये विचार आया है। वो एक्सेप्ट ना करें लेकिन मैं थोड़ा सा वैसे भी क्रांतिकारी हूँ, मुझे ऐसा लगता है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी चीज को ही उन्होंने दूसरे शब्दों में ऐसे कह दिया। अब हमारे पास क्योंकि हम अपनी कोई मौलिकता हम शो नहीं कर पाते या हमारे में ऐसा कुछ रह जाती है कमी शायद कि हमने उसको पहले नहीं कहा या कैसे कहना चाहिए था हमें, ये मुझे समझ नहीं आगा कि इसको हम क्या कहें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है या फिर मानवाधिकार की चर्चा है जो हम कहते हैं लिबर्टी इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी की जो बात कहते हैं हम, वो सब अगर हम देखें तो सर सर्वे भवंतु सुखिना इसी में ही खत्म हो जाती है। सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया वगैरह पूरा मंत्र में नहीं पढ़ गई, उसमें ये सब समाहित हो जाता है। तो अगर अगर अधिकार की चर्चा तो नहीं मैं करना चाहती जैसे राइट टू एजुकेशन या ये सब, लेकिन सर एक स्त्री के अधिकार या ये सब, लेकिन सब जो मानव अधिकार मुख्य रूप से है वो बेसिकली जो है वो हम सब हम सबके संस्कार में होना चाहिए, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल होने से काम नहीं चलता सर। ये ऐसा मुझे लगता है कि यदि हमारे संस्कार में ये हो कि हम समान हैं तो शायद बाकी अपने सब अधिकार ऑटोमेटिकली हमारे को प्राप्त हो जाएंगे। और संस्कृत साहित्य का जो चेतना शब्द है सर वो सबसे बड़ा वैचारिक योगदान विश्व को उसने दिया है, जैसा आपने भी अभी अपने लेक्चर में थोड़ा सा अपनी भूमिका में आपने ये बात कही थी। और सर यदि हम थोड़ा साइंस की तरफ जाएं जैसे श्रोडर को देखें जो विश्वविख्यात भौतिक शास्त्री हैं, तो उन्होंने भी अपनी पुस्तक माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड में कंक्लूड कर दिया उपनिषदों पे आके, और लास्ट में वो लिखते हैं कि द ओनली सॉल्यूशन लाइज इन द एंशिएंट विजडम ऑफ द उपनिषद्स। तो यूनिवर्सल वनेस की जब तक बात
स्थापित ना हो सक तब तक मानव अधिकार की चर्चा ही मुझे लगता है कि व्यर्थ है। तो हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि अमृतस्य पुत्रा वयम्, जो वैदिक साहित्य है सर्व यूनिवर्सल वनेस और यूनिवर्सल वेलबींग का, मेरे हिसाब से, बाकी मुझे पता नहीं है सर, गलत भी हो सकती हूँ मैं, सर्वप्रथम उद्घोषक वही होना चाहिए। सर हम जाते हैं जब पार्लियामेंट में, संसद भवन में, तो उसके दरवाजे पे ऊपर ही लिखा हुआ है सर, अयम निजय परो वेति गणना चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, और पूरा का पूरा ये लिखा है, खाली वसुधैव कुटुम्बकम नहीं है सर। तो जो ग्लोबलाइजेशन का आधार है वो वसुधैव कुटुम्बकम को हम मान सकते हैं, जहाँ पे सर्वधर्म संभाव की भावना जो है वह भी मानव अधिकार की रक्षा का उद्घोषक है। अब जो धर्म, उसको हम जो ट्रांसलेशन कर लेते हैं सर रिलीजन, वो बड़ा खतरनाक है। हम जो मानवीय धर्म की यहाँ पे बात रखें और किसी धर्म को इधर उधर ना करें, मानवीय धर्म से मेरा अभिप्राय दया अहिंसा परोपकार इत्यादि इत्यादि जितने भी गुण हैं सर, वो सब हम उसको एक धर्म मान के चले। और आगे हम अगर देखते हैं सर नारद स्मृति को, तो वो भी ये उपदेश राजा को ये कहती है, आदेश देती है कि सबकी रक्षा, इवन की चाहे वो पाखंडी भी क्यों ना हो, वो पूरा श्लोक तो मैं नहीं पढ़ रही, तो उसकी रक्षा करना भी राजा का उत्तरदायित्व है। राजा को आदेश देती है कि भाई तेरा ये काम है, तो कि उसको ये अधिकार है, पाखंडी को भी ये अधिकार है उस राज्य में उसकी रक्षा हो। और सबसे बड़ा सर जो मुझे लगता है कि यूनिवर्सल चार्टर में एज सच राइट ऑफ हैप्पीनेस का सर कोई उल्लेख नहीं है। जो हम अभी सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं या सहनाव अवतु की बात करते हैं, वो सब राइट ऑफ हैप्पीनेस, यदि हम इसको राइट ऑफ हैप्पीनेस नाम दे के संस्कृत का एक बीच में हम योगदान डालें, तो सर वो शायद बहुत अच्छा होगा। किसी तरीके से जैसे आपने प्रोजेक्ट की बात कही या किसी भी तरीके से। और दूसरी एक चीज मैं सर कहना चाहती हूँ, जैसे हमारा जो संस्कृत शास्त्र है सर, वो टोटल गुड ऑफ ऑल बींग्स में चलता है, वो मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट जो है कि मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम नंबर में विश्वास नहीं करता, उसका मांगना है कि टोटल गुड ऑफ ऑल बींग्स होना चाहिए, मतलब हम सबका अच्छा कर सकें, ऐसा हमारे को होना अधिकार। अपने अधिकार की रक्षा करने के साथ पहले हम दूसरे के अधिकार को भी देखें और उसकी रक्षा करें। और सर सबसे बड़ी जो मुझे बात लगती है इसमें वो ये है कि ह्यूमन राइट्स के साथ साथ हमें ह्यूमन ड्यूटीज पर भी एम्फेसिस डालना चाहिए। शास्त्र में जो है, हमारे शास्त्रों में खासकर, अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है। चाणक्य सर ये कहता है, प्रज्ञा सुखे सुखम राज्ञ प्रजा नाम च हिते हितम, न्याय आत्म प्रियम हितम राज्ञ प्रजा नाम तु प्रियम हितम। तो वो राजा के कर्तव्य की बात पहले कहता है, अधिकार की बात करता ही नहीं है। जबकि आजकल क्या होता है सर, अधिकार राजा के पहले है, कर्तव्य का मुझे पता नहीं है सर। मैं टिप्पणी करना चाहती हूँ उसमें, यदि महात्मा गांधी की पुस्तक को हम सर देखते हैं, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ को, तो उसमें वो बड़े अच्छे से ये बात कहते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर जब उन्होंने बात कही, तो वो उसमें लिखता है कि हम यदि ड्यूटीज को करेंगे, तो कोटेशन उनकी यदि आप कहते हैं तो मैं पढ़ देती हूँ, लेकिन वैसे ही बात कर लेते हैं थोड़ा, कि यदि हम ड्यूटीज के विषय में बात करते हैं तो उससे पहले हमें कर्तव्य की बात करना चाहिए। तो कर्तव्य यदि हो जाएंगे तो ड्यूटीज राइट्स जो हैं, सॉरी ड्यूटीज यदि हो जाएंगी तो राइट्स अपने आप आ जाएंगे। वो कहते हैं आई प्रॉमिस द राइट्स विल फॉलो एज स्प्रिंग फॉलोज विंटर। तो बसंत के बाद जैसे शरद ऋतु आती है, शरद के बाद जैसे वसंत आती है, वैसे ही अधिकारों के बाद कर्तव्य, कर्तव्य के बाद अधिकार, यानी दोनों में वो बहुत अच्छा समन्वय स्थापित करते हैं। और इसके लिए वो बड़ा अच्छा उदाहरण, मतलब अपना उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि यदि मैं अपने राइट्स के लिए इवन डिस्कस करता हूँ, तो मेरी वाइफ भी मुझे मेरे राइट्स नहीं देती। यहाँ अपनी पर्सनल बात वो ये कहते हैं, और इसलिए मैं यदि उनके प्रति ड्यूटी करता हूँ तो मेरे राइट्स जो है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आते हैं। और लास्ट में वो कहते हैं कि आई फाइंड टूडे दैट आई हैव ग्रेटर राइट्स परहैप्स देन एनी लिविंग मैन आई नो। तो यदि हम अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वाह करें तो मेरे ख्याल से अधिकार अपने आप आ जाते हैं। और जहां तक मानव अधिकार की बात है, तो मानव कर्तव्य के साथ वो जुड़ी हुई है। ये हमारी बेसिक, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, जिसको हम चाहे तो यूएनओ के चार्टर पे अपने उसको अपने कंधे पे रखें, चाहे अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के फंडामेंटल्स को हम अपनाएं, लेकिन वो बेसिकली निकले सब यहीं से हैं। हमें इस बात को स्थापित करने के लिए कितना प्रयास करना होगा,
और हम उसको कैसे आगे ले जाएंगे ये अब हमारे ऊपर है सर। हम कितना उसमें मेहनत कर सकते हैं वो कैसे हम करना होगा। खाली हम गीता पढ़ रहे हैं तो तब तक नहीं चलेगा काम जब तक सर हम कर्म योगी श्री कृष्ण की तरह इस वाक्य को अच्छे से ना समझे कि मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गंगायु। जब तक ये जो सर ये जो सूत्र है छोटा सा जो लाइन है ये विज्ञान की, वैसे मैं विद्यार्थी तो नहीं पर मैंने कहीं कई बार पढ़ा है कि क्वांटम फिजिक्स में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है वो अनब्रोकन होलनेस जो के ऊपर होता है। अनब्रोकन होलनेस जो है सर वो इसी तरह से आती है कि मणि गंगा सूत्रे मणि गंगायु के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से जब तक मानव अधिकार की स्थापना और रक्षा पूर्णतः कैसे हो सकती है जब तक अंग ब्रोकन होलनेस ना आए। तो इसके लिए मैं मतलब एक ही चीज अंत में ये कहना चाहती हूँ कि हमें वेद उपनिषद स्मृति पुराण जितना भी कुछ है जितने भी हमारे पास संपत्ति है अपने और जो अभी जैसे विशाल जी ने बताया कि जो आधुनिक साहित्य में अभी उन्होंने एक उपन्यास का जिक्र किया था तो वो सब भी जो यदि हम मिला के रखते हैं तो अपने राइट्स और कर्तव्य की बात तो हम करते आते हैं लेकिन हम उसका उद्देश्य हमारा कब पूरा होता है जब हम सबका सुख में अपने सुख को देखें और अपने सुख के अंदर सबके सुख को देखें यानी हैप्पीनेस टू ऑल का यदि हम स्थापना करें तो जो बाकी जो टॉर्चर है जिसको हम कहते हैं हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या हमारे को मतलब मानसिक प्रताड़ना है कई जगह वर्किंग लेडीज को भी ये बहुत तरह से दिक्कत रहती है मतलब जितनी भी ये समस्याएं हैं जिसके लिए हम अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो ये जो लड़ना है ये जो कानून है ये जो न्याय है ये क्यों सर हमें जाना पड़ता है। इस बेसिक ये एक मेरा भी एक प्रश्न है ये आपके प्रश्नों के साथ कि हम उस समाज में इस तरह की स्थापना क्यों नहीं कर देते कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार स्वतः ही प्राप्त होता रहे। क्यों हम अपने कर्तव्य को और अपने अधिकार को इस तरह से समन्वय में नहीं स्थापित कर पाते इसका उत्तर मुझे मिला नहीं। मैं भी ढूंढ रही हूँ सर कि इस तरह से कुछ हो जाए कि किसी न्यायालय का दरवाजा किसी को भी खटखटाना ना पड़े और हमारा जो शास्त्र है हम अपना जीवन और अपने ध्येय को इस तरह से बनाए कि वो हमारे संस्कार में आ जाए ताकि हम किसी तरह से भी हमें इस तरह का व्यवहारिक या आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की उन्नति में और जीवन में कोई समन्वय स्थापित करने में या सामंजस्य स्थापित करने में कोई परेशानी ना हो कोई विवाद का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। आपने भी बहुत सटीक और पूरी एक दिशा को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से आपने ये प्रस्तुति दी है वो वाकई प्रशंसा के योग्य है और मुझे लगता है कि अगर इन्हीं आप दोनों के वक्तव्यों को अगर हम ध्यान में रख कर के अग्रसर हों तो मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से कुछ स्थापना कर सकते हैं एक विकल्प दे सकते हैं संस्कृत शास्त्रों के आधार पर मानवाधिकार का एक विकल्प दे सकते हैं जो कि मुझे कई बार लगता है कि बिल्कुल एक बिजनेस ओरिएंटेड ह्यूमन राइट्स हैं। मैं तो खुद से कई बार प्रश्न करता हूँ कि किसान को क्या वस्तुतः ये इस तरह की फ्रीडम चाहिए जो यूएनओ में दी हुई फ्रीडम है क्या सचमुच उसे चाहिए वो अपनी जमीन छोड़ के कहाँ जाएगा। बिजनेसमैन को तो फ्रीडम चाहिए कि क्योंकि उसने अपना बिजनेस फैलाना है चारों ओर तो उसकी तो स्थिति और है। तो किस दृष्टि से ये मानवाधिकार एग्रीकल्चर की जो कल्चर है और एग्रेरियन कल्चर है और दूसरी ओर जो बिजनेस कल्चर है दोनों के बीच में कैसे तालमेल बिठाती है और जहां जहां हमने ह्यूमन राइट्स की बात की है वहां वहां कोई ना कोई हिंसा और इस तरह के हमने व्यवहार देखे हैं जो बहुत ही घृणित रहे हैं। तो खैर अस्तु वो तो एक अलग बात है लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों के वक्तव्य बड़े प्रभावी और बड़े सटीक रहे हैं। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि कोई भी आप लोगों के जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए श्रोता हैं उन लोगों की टिप्पणी उन लोगों के प्रश्न उन लोगों के अपनी कोई सोच या वो हमें कोई दिशा निर्देश दे सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से उनका स्वागत करूंगा। आप लोग अपने आप उस बात को कह सकते हैं अपने को अनम्यूट करके एक एक करके अपनी बात रख सकते हैं और हमारे साथ मेजर जनरल भी ए.के. शौरी जी जुड़े हुए हैं तो उनका वक्तव्य अगर वो बीच में कुछ कहना चाहें तो स्वागत है नहीं है तो वो तो लास्ट में तो फिर हम करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर लेखराम जी
मैडम रूपिका जी जलंधर आर्य कॉलेज से, डॉक्टर अंजलि दीवान शिमला से, और मैडम अनीता जैन, विपुला जी, गौरी चावला जी, डॉक्टर रमेश कुमार मदान, डॉक्टर पूनम भाई, कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप लोगों को इसीलिए आमंत्रित किया है कि हम लोग चर्चा कर सकें। कोई प्रश्न है बेशक प्रश्न उठाएं, अपने से भी प्रश्न हम करें। कोई ऐसा नहीं होता कि हम दूसरों को आक्षेप ही हमने करने होते हैं, लेकिन जो भी आपको ठीक लगता है। मुझे लगता है जनरल साहब कुछ पहले कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद आगे लेते हैं। मैं बाद में कहूंगा। जी जी ठीक है। आप में से जो भी अपनी बात कहना चाहता है प्लीज आप अपनी स्वतंत्रता से कह सकते हैं। क्या जो ये हमने मॉडल पे बात की या हमने और जो बात की वो लगता है कुछ युक्ति संगत है या इस तरह का तो बात हो सकती है? मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि कोई और बात करे, प्रोफेसर लेखराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे सीनियर मोस्ट हैं, मैं चाहूँगा कि उनकी एक टिप्पणी जो है इस विषय पे हो, और मैं चाहूँगा कि सर बहुत आलोचनात्मक दृष्टि से आपकी टिप्पणी, मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल हमारे से सहमत ना हो तभी हमें कुछ दिशा मिलेगी, क्योंकि हम लोग बड़े जड़ बुद्धि वाले लोग हैं। आपका जो विषय चयन होता है ना जी, पहले तो यही अपीलिंग होता है और उसके बाद विद्वानों का चयन, मैडम जी को हमने सुना, बहुत अच्छी पकड़ मुझे लगी। डॉक्टर विशाल जी हैं, इनके बहुत अच्छा इन्होंने किया, आपने शुरुआत अच्छी की। तो जो हमारा मानवाधिकार का कंसेप्ट है जी, तो अगर हम शास्त्रों में जाएं, वैदिक संस्कृति की ओर जाएं, तो उसकी नियम हमें वहीं मिल जाती है। अब जैसे देखिए कितना सुंदर कथन है, सब अधिकार यही आ जाते हैं कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समादरेत। इसमें हम दूसरे के अधिकारों की रक्षा और अपने कर्तव्यों को बोल जाते हैं कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं वो हम दूसरों के लिए ना करें। तो जब ऐसी बात हो जाएगी तो दूसरे के अधिकार अपने आप ही सुरक्षित हो जाएंगे। अच्छा, फिर दूसरे के अधिकारों का हनन के कई कारण हमारे बनते हैं। अपना वर्चस्व स्थापित करने का हमारा होता है, या कई बार जब संसाधनों का समान बंटवारा नहीं होता है तो हम दूसरे का अधिकार सुनते हैं कि हम लूट करते हैं, चाहे हम और कुछ करते हैं, छीनते हैं, कुछ भी करते हैं हम चाहे। तो अब देखिए वेद तो हमें प्रारंभ से ही कहां लेके चला गया है कि समानी कृपा सह वो अन्न भगा, के आपके जो जल के संसाधन है वो आप किस मान रूप से बंटवारा हो, ये भी हो कि किसी क्षेत्र में ज्यादा है किसी में ज्यादा। तो जब हमारा ऐसा चिंतन हो जाएगा कि हमारा जलीय प्रबंध समान होगा, अच्छा उसके बाद क्या समानता भी इसमें आ रही है। समानी कृपा से एक और भी पक्ष आ जाता है कि हम एक जगह से पानी लें, एक साथ पानी पिए, यह हमारा पानी का बंटवारा। और उसके बाद सह वो अन्न भाग है, बड़ी बड़ी बात है ये कि आपका जो अन्न भाग है उसका समान बंटवारा हो। ऐसा नहीं ना हो कि एक बड़ी अच्छी कविता है कि मेरे प्यारे अल्लाह भैया ये कैसा आपका ये भाग है कि भाई इनके कुत्ते बिस्कुट खाएं और उनके पेट साफ में आ, मेरे प्यारे अल्लाह मियां ये कैसा इंसाफ है, इनके कुत्ते बिस्कुट खाएं और इनका पेट साफ है। कुछ वो कहते हैं सह वो अन्न भाग है, कोई भूखा न रहे सब कुछ मान। तो इस तरह का अच्छा समान मंत्र की बात हमारे वेद करता है। अच्छा उसके बाद वो कि हमारे समान मंत्र करते हैं कि हमारा विचार, हमारा मंत्रणा, हमारा कोई निर्णय वो एक समान रूप से हमें है। यहां भी हम मानवाधिकारों की बात कर जाते हैं। तो संस्कृत के डॉक्टर साहब विद्वानों ने, दोनों ही माननीय विदुषी ने भी और डॉक्टर साहब ने भी और आपने भी बड़े उदाहरण दिए। तो कहीं भी देख लें कि हमारे सर्व शब्द का प्रयोग सर्वस्तर को दुर्गाणी के सारे जो है कठिनाइयों को पार करेंगे। तो जब हमारी ये भावना होगी तो मानवाधिकार हमारे अपने सुरक्षित हो जाएंगे। बाकी आपने भी इसकी बात की है, पुमान पुमान संपाई पाद विश्वत है। जब ये धारणा हमारे दिमाग की होगी कि हमने चारों ओर से संरक्षण देना है तो उस समय भी हम अधिकारों की बात कर जाते हैं। अच्छा उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अभयम का जो वेदता है कि अभयम मित्राद, अभयम मित्राद, और लास्ट अंत में वो कहता है कि सर्व आत्मा मित्र भवंतु। तो जब सारी दिशाएं मेरी मित्र हैं, भाव
कि किसी दिशा में मुझे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, सब जगह मुझे मैत्री भाव देना है। तो जब सारी ऐसी बातें होंगी तो बेसिक जो आधार है अधिकारों का, तो वो ये है। और संस्कृत में, वेदों में, शास्त्रों में इसकी नींव हमें रखते जब यहाँ सर। अब किसी ने एक प्रश्न किया, कहता कि भाई तुम बोलते हो कि सर्वे भवन तो सुखी ने, तो आप कहो कि वयम भव है सुखी ने, अपने लिए क्यों नहीं बोलते? कहते सर्वे में हम भी आ गए, वयम में सब नहीं आएंगे। तो ये कितना बड़ा कार्यक्रम शब्द है जिसने ये सर्व शब्द का प्रयोग किया होगा यहाँ। तो इस तरह डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई, आप ऐसे बड़े अच्छे विद्वानों का हमें मौका देता है सुनने का, और मिला अपने आप धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके उस उत्साहवर्धक बातों से जो है ना, वो लगता है कि भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कोई ना कोई खोज करते रहें और कोई ना कोई दिशा तो मिलेगी ही। निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता भी है कि हम इसको एक उचित फॉर्मेट में, एक उचित प्रारूप में, मॉडल के फॉर्म में हम इसको प्रस्तुत करें, तभी आगे चलने का लाभ होगा। आप में से किसी और की कोई टिप्पणी है, कोई बात अपनी कहना चाहते हैं? डॉक्टर रमेश मदान जी, आपने बहुत अच्छा बोला, सबने बोला, तो मैं सुन रहा हूँ आप। नहीं, मेरी प्रशंसा की बात नहीं है, ये हम चाहते हैं कि यहाँ पूरा एक सघन विचार हो और हम अपनी भाषा में, अपने संदर्भों में, अपनी संस्कृति में हम कुछ कर पाए, अन्यथा समय तो निकल ही रहा है। अच्छा होना जो है ना, ये कोई अच्छा गुण नहीं है आज के युग में। तो लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आपके क्रिटिकल, क्योंकि डॉक्टर रमेश मदान जो हैं वो हेड हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई सारे उन्होंने सेमिनार्स और लेक्चर्स दिए हैं, तो संक्षिप्त सी टिप्पणी अगर आप कोई इस विषय में करना चाहें तो। थैंक यू सो मच, वेरी मच, आपके विचार ठीक हैं, चर्चा परिचर्चा करेंगे जब पॉलिटिकल साइंस की प्रोजेक्ट आएगी। थैंक यू सो मच, गुड लक। थैंक यू डॉक्टर पूनम जी। हाँ जी सर, मैंने आप चारों विद्वानों को सुना और कहीं ना कहीं मैडम राजेंद्र जी की बात को मैं आगे ले जाना चाहूंगी। सर मैं पुनरावृत्ति ना करते हुए अपनी बात ये कहना चाहती हूँ कि सर बड़े दोहरे मापदंड हैं, मानवाधिकारों की हम बात कर रहे हैं, मॉडल भी तैयार होगा है, और सर हमारे पास यत्र तत्र हमारे वैदिक विचार और हमारे पुराणों में, उपनिषदों में जहाँ जहाँ विचार है हम उनके बारे में बातचीत भी करते हैं और हम उनको लेंगे भी सर, लेकिन परेशानी ये है कि उनको इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लाया जाएगा। दोहरे मापदंड, जब घर में लड़की के समझदार होने से पहले उसको ये समझाया जाता है कि तुमको हंसना कैसे है, तुमको पहनना क्या है, तुमको रहना कैसे है, और फिर हम मांग करते हैं सर कि नारी के अधिकार क्या है ये पूछने के लिए। इसी तरीके से सर मैं देखती हूँ कि हमारे डेजिग्नेशन की महिलाएं हैं, उनका कहना है कि भाई हम अपनी सैलरी जमा रहने देते हैं, हमारे पति जो हमारे हाथ में देते हैं हमको बड़ा अच्छा लगता है, और फिर सर वही लोग ये कहते हैं कि खुद कमाते हुए भी हमारी ये स्थितियां हैं कि हम अपने मन से खर्च नहीं कर सकते। तो सर इस तरह की मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे लगता है कि जब तक हम मॉरल एजुकेशन को नहीं लेके आएंगे, सर वही सीता माता थी, आप लोगों ने तो रामायण का इतना पारायण किया है कि इतना ओजस्वी बोली थी जिस समय राम के साथ उनको बन जाना था, ना तंत्री वाद्य ते वीणा, ना चक्रोजित्य ते रथा, ना पति या स्यादपि शतात्मजा। तो सर इस तरह की बात, इस तरह की एजुकेशन के लिए मुझे लगता है कि मॉरल एजुकेशन का सबसे पहले सामने आना बहुत जरूरी है, घर घर में सर मॉरल एजुकेशन। हाँ ठीक है मैम, आपके आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा मोरालिटी को लेकर के मेरे अपने मन में कई संदेह रहे, हमेशा ही रहते हैं। मोरालिटी जो है ना, ये वेस्ट का टर्म ज्यादा है, हमारे यहाँ मोरालिटी उस अर्थ में नहीं रही, वहां पर ये सारी चीजें हैं और उसका परिणाम, दुष्परिणाम वेस्ट ने बहुत बुरी तरह से भोगा है मोरालिटी। हाँ यहाँ है सेंसिबिलिटी की बात है कि आपको समझ में आए जी, और यही कारण है कि हमारे जो परंपरा में जो भी अपराध हुए हैं उनको कभी छिपाया नहीं गया जी।
वो इसलिए एक सेंसिबिलिटी को पैदा करने की एक चुनौती है हम सभी के सामने, और मुझे लगता है वो सेंस कैसे पैदा करें सर, एक उदाहरण जैसे मैं और देना चाहूंगी छोटा सा, कि बनारस सारनाथ जाना हुआ तो वहां पे सर एक गुमटी पे चाय पीने के लिए रुक गए मेरी कलीग के साथ में, तो सर वहां पे देखा चार लोग बैठ करके खैनी हाथ में रगड़ रहे हैं और पूरे देश की राजनीति के ऊपर बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक। सर 4-5 घंटे मंदिरों में घूम के जब वापस आए तो वो उसी तरह खैनी खा रहे थे और उसी तरह चर्चा कर रहे थे। मतलब उनके घरों में सर एक व्यक्ति कमाता है और बाकी सब खाते हैं। तो आप वाली बात बिल्कुल जेन्युइन है कि पहले सेंसिबिलिटी पैदा करनी होगी सर, तभी अधिकारों और कर्तव्यों की बात आएगी। क्योंकि अधिकारों की बात आ रही है तो सर हम कह रहे हैं कि इंडिया तेरे टुकड़े होंगे, जब कर्तव्यों की बात आ रही है तो सर हम कह रहे हैं इंडिया तेरे टुकड़े होंगे, और अधिकारों की बात आती है तो सर हमें सब कुछ चाहिए। जी तो जी, जी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो और कोई अपनी बात कहना चाहे? डॉक्टर रूपिका जी। जी सर। हाँ प्रणाम सर। नमस्कार, आप प्रणाम मत कहिए, मैं हम सब एक ही धरातल पर हैं। खैर है, प्लीज कंटिन्यू। जी सर, मुझे लगता है कि जहाँ पर हमारे इस धरती पर पूरे विश्व में करोड़ों लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, जी, तो वहाँ मानवाधिकारों की बात करना ही मुझे लगता है कि हास्यास्पद सा है। और मेरे ये टिप्पणी नहीं है सर, सुनते हुए मेरे मन में जो भाव आए हैं मैं वो ही बस शेयर कर रही हूँ। दूसरा, ये आपने जैसे संवेदनशीलता की बात कही है, संस्कार की बात कही है, तो ये सारी बातें भाषा में आती हैं। और अगर मूल मानवाधिकारों की समझ की बात करें तो मुझे लगता है उसके लिए इतना ही काफी है कि व्यक्ति जो अपने लिए चाहता है, भाषा में हम सोचने के चिंतन करना करने का अभ्यास है हमारा, हम जो अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी होना चाहिए। मुझे लगता है समझ तो इसी से आ जाती है। हम एक ऐसी संस्कृति से हैं सर, जैसा कि आपने उदाहरण भी दिए और सभी स्रोत वक्ताओं ने भी बताया, जो व्यक्तित्व सजग करती थी, हमें अपने से जोड़ती थी, लेकिन आज हम बहुत से प्रभावों को हमने अपने ऊपर ओढ़ा है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बीच में हम क्या हैं हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रशिक्षण पर ज्यादा जोर देती है जी। अगर वो व्यक्तित्व सजगता अगर हम अपनी संस्कृति से ले पाए, उनकी टर्म्स और उनकी भाषा से डरे बिना, तो मुझे लगता है वो ज्यादा सहायक होगा। जी ठीक है, ये पक्ष भी विचारणीय है। लगभग 40% लोगों को आज भी पूरा एक वक्त का खाना शायद मिल पाएगा हिंदुस्तान में, तो ये चिंता का विषय तो है कि कैसे मानवाधिकार और किस तरह से हम इन विषयों पर बातचीत करें। तो निश्चित रूप से इसके ऊपर ये भी एक पक्ष है। तो मैं समझता हूँ कि अब समय काफी हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि मेजर जनरल AK शोरी जी जो हैं वो अपने अपनी बात भी हमारे साथ साझी करें, और वोट ऑफ थैंक्स भी प्रपोज लास्ट में करेंगे, और मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया है। यदि और भी कोई अपनी बात अभी भी कहना चाहता है तो स्वतंत्र है, कह सकता है, उस लिंक को प्लीज आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है, तो ताकि किसी का सर्टिफिकेट रुके ना। जी हेलो, जी जी थोड़ी कम है अभी, ठीक है? हाँ अब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, और दोनों वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। मैडम आपने, डॉक्टर पूनम भाई आपने भी बहुत अच्छा व्यू पॉइंट सामने रखा। थोड़ी देर से मैं सोच रहा हूँ, मुझे ये लगता है ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना कि हमने इसको समझ लिया है। जी टॉपिक का हेडिंग देखकर हमारे मन में क्या आया होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे मन में तो कई चीजें आई हैं। हम कई चीजों को मिक्स भी कर रहे हैं, हमें कई चीजों के साथ थोड़ा, मुझे लगता है क्रिटिकल ही बात करूंगा, तो कई चीजों को थोड़ा सा साइड में डालना चाहिए और उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से थोड़ा सा इस हिसाब से देखना चाहिए।
यूएनओ के ह्यूमन राइट्स जो है वो आए क्यों, क्या क्या जरूरत थी यूएनओ को ह्यूमन राइट्स बनाने की? वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और उससे पहले जो है आपने मेंशन किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इवन रशियन रेवोल्यूशन का भी चलिए अगर मेंशन नहीं किया, ये सारी जो रेवोल्यूशन है इनके पीछे जो है एक हिस्टोरिकल, सोशल और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस थे। अब क्यों हुई रेवोल्यूशन, क्यों फ्रांस के लोगों ने जो है सत्ता पलट का काम किया, और क्यों रशिया में लेनिन के अंडर जो है उन्होंने कहा कि जार को हटाना, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। जो बहुत बोर्जुआस थे या रिच थे या अरिस्टोक्रेटिक थे वो बेसिक फैसिलिटीज जो है आम आदमियों को प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, और सत्ता का केंद्रीयकरण के साथ साथ वो मनी का केंद्रीयकरण इतना ज्यादा हो रहा था कि कोई अमीर था तो बहुत ज्यादा था और जो गरीब थे तो बहुत ज्यादा गरीब थे। तो रेवोल्यूशन के पीछे जो है जो कारण है वो हिस्टोरिकल कारण भी थे, सोशल और इकोनॉमिक कारण भी थे, और क्योंकि जो उनको क्रश किया जा रहा था इसीलिए तो जॉन लॉक को, शायद जॉन लॉक ने कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स, पैदा तो हो गए फ्री लेकिन हमारे ऊपर तो जो है इन्होंने बेड़ियों में हमें जकड़ दिया। तो वो जो चीज है उसको हम थोड़ा सा इस तरह से देखें। अब फिर बीच में नाजीज आ जाते हैं और ज्यूज का मास मर्डर होता है, और अफ्रीकन कंट्रीज में भी जो है बड़े बड़े ऐसे पॉल पोट रिजीम और खमेर रॉग और बहुत सारे ऐसे ऐसे डिक्टेटर आते हैं, इदी अमीन, और उससे पहले भी बहुत सारे के आए जो लाखों की तादाद में लोगों को मरवा देते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है, हर शासक जो है ऐसे ही करता है अपने अपोनेंट के अगेंस्ट। पुराने जमाने में किसी भी जमाने में उठा लो, सम्राट अशोक ने भी कलिंग के युद्ध में जो है लाखों आदमियों को का कत्ल कर दिया था। तो जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, वो अपने दूसरों के ऊपर अत्याचार करता ही करता है, ये होता है। हाँ, ये ना हो ये अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों के वो भी एक जीने का, एक सम्मान से जीने का एक अवसर दें, या उनको जो है एक लेवल पर लाकर खड़ा किया जा सके, इसलिए यूएनओ ने ह्यूमन राइट्स की बात करनी शुरू कर दी। लेकिन अगर हम यूएनओ के मॉडल ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनी संस्कृति के साथ कंपेयर करेंगे, ये तो ऐसे हो गया कि इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में चैंपियन है और उसके सामने जापान की क्रिकेट की टीम मैच खेलने आ गई। वो तो बहुत हल्के हैं यूएनओ के ह्यूमन राइट्स हमारी संस्कृति के मुकाबले, वो तो उसके उसके उसको देख भी नहीं पा रहे, उसके बराबरी की क्या बात करनी है। हम उनसे बहुत आगे हैं, हम उनसे बहुत ऊंचे हैं। हमारी सोच, हमारा दार्शनिक के पीछे जो एंगल है, या हमारा हमारा शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, वो उससे उस ह्यूमन के एंगल को सिर्फ राइट्स की बात नहीं कर रहा कि उसको शिक्षा का राइट दे दो, उसका वो राइट दे दो, उसको ये राइट दे दो, वो उसको जो है एज ए ह्यूमन बीइंग जो है व्यू करता है। तो मुझे ये लगता है कि हमें जो है यूएनओ के चार्टर में जो ह्यूमन राइट्स की बात कही है उसको एक एक करके सामने रखना चाहिए, और फिर हमें देखें कि ये हमारी संस्कृति के कौन से प्रिंसिपल्स के सामने कहां पर कितने कदम आकर खड़ा होता है। और ये जब भी हम ये बात करते हैं हम भूल जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कभी खत्म ना हुआ है ना कभी होगा। एक्सप्लॉयटेशन तो आज भी हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हमेशा ही होता है, एक्सप्लॉयटेशन हर कंट्री में, हर समाज में एक दूसरे का होता है, और समाज में क्यों, घरों में होता है, परिवारों में होता है, और उससे भी बड़ी बात, बराबर नहीं हो सकता कोई भी, पांच उंगलियां बराबर नहीं है, दो आदमियों की सोच बराबर नहीं है, कुछ भी बराबर नहीं है, लेकिन बराबरी के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना वो ज्यादा जरूरी है। बराबर अपॉर्चुनिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विच मीन्स दैट इक्वलिटी हैज कैन नॉट बी अमंग अनइक्वल्स। तो आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, वो फोकस है यूएनओ की ह्यूमन राइट्स का। लेकिन हमारा, हम इसको थोड़ा सा कभी कभी किसी और ही एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। मुझे ये लगता है आशुतोष जी के इस वेबिनार का स्कोप जो है बहुत बड़ा है, इसकी डायमेंशंस बहुत ज्यादा है। हमें इसमें एक ही चीज पहले पकड़नी चाहिए, यूएनओ के ह्यूमन राइट्स, उसको हम ना तो कोरिलेट करें ना अपने साथ कंपेयर करें, क्योंकि वो हमारे साथ कंपैरिजन का कोई लेवल, इक्वल प्लेटफॉर्म पर खड़े ही नहीं है। उनका सोशल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, रीजन अलग है, जस्टिफिकेशन अलग है, एम एंड ऑब्जेक्टिव अलग है, उसको हम अलग ही कर दें। हाँ,
हमारी संस्कृति में ह्यूमन को कैसे ट्रीट किया गया है, ह्यूमन को कैसे ट्रीट करना चाहिए किया जाता था, उसका एक अलग ही एक फिलोसॉफिकल एंगल है, एक दार्शनिक एंगल है, एक अलग तरह का उसका स्टेटस और सिंबल है। यूएनओ की ह्यूमन राइट्स उसके साथ जो है वो कोई बराबरी नहीं कर सकते, उनका अलग ही स्फीयर है। तो कोशिश अच्छी थी, लेकिन मुझे ये लगता है इस वेबिनार को एक्सपैंड करने की जरूरत है, इस टॉपिक को जो है ब्रेक करने की जरूरत है, इस टॉपिक के कई सब टॉपिक बनाकर फिर उसके ऊपर एम्फोसिस करने की जरूरत है। जब हम एक बार यूएनओ की ह्यूमन राइट्स को सामने रखेंगे या दूसरी चीजों को सामने रखेंगे, उनके पॉइंट्स जो है जो उनके पॉइंट्स रिजेक्टेड होने वाले हैं या लगता है कि ये बिल्कुल फ्रॉडलेंट पॉइंट्स हैं, वो अपने आप उभर कर सामने आ जाएंगे। फिर हम कहेंगे कि अच्छा भाई अब मैं बताता हूँ मेरा मॉडल क्या है। तो 45 मिनट में मुझे लगता है कि हम इस तरह से जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम इस तरह के वेबिनार को ब्रेकअप करें, पहले हम यूएनओ की राइट्स को पकड़ें, फिर उसके बाद हम पार्ट बी में लेकर आए कि भाई ये हमने देख लिया, अब मैं बताता हूँ मेरा मॉडल क्या है। अब जब हम अपने मॉडल की बात करें तो हमारे पास एक सॉलिड एक लिस्ट ऑफ पॉइंट्स होनी चाहिए जिसको हम जॉट डाउन करें, ताकि वो एब्स्ट्रैक्ट ना हो जाए, वो वेग ना हो जाए, वो हवाई बात ना हो जाए, वो कंस्ट्रक्टिव कंक्रीट एक एक्शन प्लान की तरह आपके सामने आए, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हो, चाहे वो घरों में मॉरल एजुकेशन के थ्रू हो, चाहे वो टीचर्स के थ्रू हो, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू हो, एक गाइडलाइन की तरह जो है हम एक मॉडल पेश कर सके, विच विल बी बेस्ड अगेन अपॉन अवर दोज प्रिंसिपल्स ऑफ जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए। मेरे मन में जो अभी आया मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। धन्यवाद जनरल सर, अच्छे आपके क्रिटिकल कमेंट्स हैं, और निश्चित रूप से ये सारी बातें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जो एक पब्लिक नरेटिव डिजाइन किया गया है पिछले 70-80 साल में, बल्कि 200 सालों में, उसको बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी भाषा भी बदल चुकी हुई है और भाषा बदलने से हमारी सोच और व्यवहार भी बदल चुका हुआ है। तो उस सोच और व्यवहार और भाषा के बीच में अपनी भाषा को फिट करना ये अभी इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम 30-35 लोग भी जुड़ करके अगर ये चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि संभावनाएं आगे खुलती हैं। और अगर आप में से किसी को कोई आवश्यकता हो तो मैं इसका जो संस्कृत अनुवाद है मानवाधिकारों का, वो भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने काफ़ी पहले ये सारा काम किया था। और साथ ही साथ आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो प्रीएम्बल है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी आपको संस्कृत में प्रोवाइड कर सकता हूँ, ताकि यदि संस्कृत में कल को कोई बात करना चाहता है, संस्कृत में इस विषय के आधार पर कोई चर्चा करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो एक तुलनात्मक दृष्टि से उसको वो सामने प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन ये दायित्व तो बहुत बड़ा है, ये तो केवल हम एक बार ये है कि जैसे कोले के ऊपर राख पड़ी होती है, उसको फूंक मार के हटाने वाला काम वेबिनार का है, उससे ज्यादा नहीं हम कुछ भी कर सकते, क्योंकि हर एक के अपने अपने परिस्थितियां हैं, परिवार हैं और सामाजिक संदर्भ हैं, तो ये अपनी अपनी रुचि पे निर्भर करेगा कि हम कौन सा दायित्व लेना चाहते हैं। लेकिन इतनी बात निश्चित है कि अब हमारे पास वक्त है कि हम कुछ न कुछ नए तरीके से, नए सिरे से संस्कृत के शास्त्रों को परिभाषित करें। शास्त्र का मतलब ही लोक से संबंध है, शास्त्र और लोक के संबंधों को अगर हम ठीक से नहीं समझे तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं अनाचार कर रहे हैं, कहीं चूक गए हैं, तो उसको पुनः परिभाषित करने का प्रयास करें। और मैं समझता हूं कि इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, आप सब लोग जुड़े, हमारे साथ बातचीत की, अपनी टिप्पणियां दी, आपने अपने बात रखी हमारे साथ, और एक संभावना की तलाश हम सभी ने मिलके की है। आगे क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन बीज कहीं ना कहीं पड़ते रहना चाहिए, बीज पड़ेगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फल निकल आएगा, तो कोई ना कोई नई दिशा मिलेगी। और इससे पहले कि मैं आप लोगों
को कहूं कि ये अब आज का ये वेबिनार हम समाप्त करें। निश्चित रूप से बहुत जल्दी एक वेबिनार में करना चाहता हूं जो मुझे बहुत विचलित कर रहा है। ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसान बिल जो है उसके ऊपर हम इस पर चर्चा जरूर करें। विशाल जी कृपया अपने को, जो ये चर्चा चल रही है ठीक है आप, क्योंकि कई लोगों से मैंने चर्चा करने की कोशिश की तो कई तरह के आर्गुमेंट करने के तरीके होते हैं कि आप कौन से कोई किसान हैं, आपको क्या पता। मैं कहा ठीक है किसान नहीं हूँ लेकिन कम से कम एक टीचर तो हूँ और एक इस देश का नागरिक हूँ, तो मेरे पे ये सारी चीजें प्रभाव डालती हैं, तो मुझे लगता है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हम इस विषय पे एक चर्चा रखेंगे और आगे की कुछ एक चर्चाएं इसी तरह से चलती रहेंगी। हम अपने ऊपर पड़ी हुई जो धूल है, प्रमाद की धूल है, उसको इन वेबिनारों के द्वारा दूर करने का प्रयास करते रहेंगे ताकि फिर हमारे भीतर वो लॉ प्रकट होती रहे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज के दोनों मुख्य वक्ताओं को, डॉक्टर विशाल जी का, डॉक्टर राजेंद्रा का और मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी का, प्रोफेसर लेखराम शर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया। और सभी जितने भी श्रोता हैं वो हमारे साथ जुड़े रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक और अपना वैचारिक उन्होंने योगदान दिया है, उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार पुनः आभार। और यदि किसी ने अपना लिंक नहीं भरा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो प्लीज आप भर दीजिए, चैट बॉक्स में वो उपलब्ध है ताकि आप लोगों के सर्टिफिकेट मिल सके। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और यदि किसी की कोई बात हो तो वो मुझसे सांझी कर सकता है और उसके बाद आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं।